और मस्जिदुल हराम में पहली बार नमाजियों और जायरीन के बच्चों की देखभाल की सहूलत मुतारिफ करवा दी गई। रमज़ानुल मुबारक में पहली बार नमाजियों के बच्चों की देखभाल की जाएगी। नर्सरी में उम्रा जायरीन और नमाजियों के 6 साल से कम उम्र बच्चों को रखा जाएगा, जबकि मजमूई तौर पर 80 बच्चों की देखभाल का इंतज़ाम बैक वक्त होगा। नर्सरी 24 घंटे काम करेगी। बच्चों के लिए सोने और खेलने के कमरे बनाए गए हैं, जबकि माहिरीन भी बच्चों की निगरानी के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे। इब्तदाई 3 घंटों के लिए सहूलत बिल्कुल मुफ्त होगी। 3 घंटे बाद वालिदैन को फीस अदा करना होगी। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समात की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।